फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस का प्रकोप है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो कोरोना वायरस का स्टेज वो सेकेंड स्टेज अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मोदी जी ने ऐलान किया कि जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक दिन का जनता कर्फ्यू हमें रखना पड़ेगा। तो जनता कर्फ्यू का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो अपनी सतह पे रहता है और सतह पे लगभग 9 से 12 घंटे तो वो फ्रेंड्स वो जीवित रहता है। यानी कर्फ्यू का समय रहेगा आपका 7 से रात को 9 बजे तक, यानी 14 घंटे, और मोटे तौर पे कहे जाए तो 24 घंटे तक आप अपने घरों पे रहेंगे। यानी जो वायरस का कॉन्टेक्ट है वो अपने आप में सोशल ट्रांसमिशन उसका खत्म हो जाएगा। और ये बहुत ही बुद्धिमानी निर्णय जो मोदी जी ने लिया, इस फैसले का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ये स्टेप मोदी जी ने लिया। तो फ्रेंड्स, इससे जो साइंटिस्ट है इसके बारे में और भी कुछ कह रहे हैं कि जो लॉजिक है, यानी जो घंटी बजाने का लॉजिक है, थाली बजाने का और ढोल बजाने का, इसके पीछे साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं कि इससे जो वातावरण के अंदर जो कंपन पैदा होता है वो काफी दूर तक जाता है। और ये कंपन जब तक जितनी दूर तक जाएगा उस क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव वो नष्ट हो जाएंगे। और इसी तरह शंख और घंटी बजाने और चम्मच बजाने से निकलने वाली ध्वनि एक निश्चित समय तक अपनी आवाज में कंपन पैदा करती है जो कई व्यक्तियों के शारीरिक रूप में अलग अलग होने के बाद भी एक बराबर हो जाती है। यही ऊर्जा शरीर के अंदर किसी भी रोग और विषाणु को लड़ने की क्षमता पैदा करती है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, बट आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जो मास्क आप यूज कर रहे हो उसको जला कर या दफना कर इसको डिस्पोज करें, क्योंकि इससे होने वाली त्रासदी और भी भयंकर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मास्क यूज कर लिया तो उसे आप कहीं पर फेंके ना, क्योंकि पशु या जानवर इसने गलती से भी खा लिया तो ये बीमारी और भी भयंकर हो सकती है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए आपको अपने डिस्पोज करना पड़ेगा अपने मास्क को। तो मास्क को डिस्पोज करने के लिए आप अपने मिट्टी में भी दबाकर इसे दफन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ पे वहीं पे स्टे रहिए, क्योंकि वायरस बढ़ने का खतरा आपके घूमने फिरने से भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने देश को बचाना है तो इसके लिए सबको एकजुट होकर मोदी के जो नियम बताए गए उन्हीं के नियमों का पालन करके आप अपने देश को बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महामारी वाली बीमारी है, लेकिन इसको रोकने के लिए अभी सभी देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। जय हिंद।